हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गोलू की सावजी रसोई। आज हम एक क्रिस्पी ऐसे नाश्ता तैयार करने वाले हैं जो बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को बहुत पसंद आएंगे, बहुत जल्दी बन भी जाएंगे और बहुत टेस्टी होंगे। और ये नाश्ता आज हम बनाने वाले हैं चावल के आटे से। इसमें ना मैदा रहेगा, ना कॉर्नफ्लावर आएगा और ना ही हम इसमें इनो या बेकिंग पाउडर का यूज़ करने वाले हैं। बहुत ही हेल्दी और टेस्टी ऐसे नाश्ता हम आज बनाने वाले हैं, एकदम क्रिस्पी, जो सबको बहुत पसंद आएगा। तो चलो बनाते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक मिक्सी जार लिया हुआ है और इसमें डाल रही हूँ मैं थोड़ा सा अदरक। ये तीन छोटे छोटे टुकड़े हैं अदरक के, 8-10 लहसुन की कलियाँ जो मैंने साफ कर ली है, और इसके साथ ही मैं इसमें मिलाऊंगी 5-6 हरी मिर्च। अभी इसको मैं पीस लेती हूँ और इसमें पानी नहीं मिलाना है, बिना पानी के ही इसको हमें पीसना है। ये देखो, ये पीस के हो चुका है। अभी मैंने गैस पर एक पैन रख दिया है और उसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा तेल। मैं यहाँ पे 1/2 चम्मच तेल का ही यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा सा तेल मैंने इसमें डाल दिया है। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए तब हम इसमें ये जो हमने हरी मिर्च और अदरक लहसुन की पेस्ट जो की थी वो तेल में हम डाल देंगे। मैंने पूरी पेस्ट इसमें डाल दी है। अभी मैं इसको चम्मच से थोड़ा सा चला लूँगी ताकि ये तेल में अच्छे से मिक्स हो जाए और पूरा मसाला ये अच्छे से तेल में पक जाए। तो इसको हमें 1-1.5 मिनट तक ही पकाना है। इसको अभी और टेस्टी बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच रेड चिली फ्लेक्स। इसके साथ ही मैं इसमें अभी डालूंगी तिल। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच तिल डाल दी है। इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। इसको भी बस 1/2 मिनट तक के हम पकाएंगे। यहाँ पर ये मसाला पूरा अच्छे से पक चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कटोरी पानी। सिर्फ 1 कटोरी पानी ही मैंने इसमें डाला हुआ है और पानी को अभी हमें थोड़ा सा गर्म करना है। पानी को एकदम उबालना नहीं है, सिर्फ अच्छे से गर्म करना है। और उसमें मैं अभी डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। अब हम इसमें डालेंगे चावल का आटा। तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरी चावल का आटा लिया हुआ है। हमने 1 कटोरी पानी डाला था, उसी कटोरी से मैंने चावल का आटा लिया हुआ है और ये थोड़ा थोड़ा डाल के मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ। अगर एक साथ डाल दोगे तो गुठलियाँ पड़ जाएगी, इसलिए मैं इसमें थोड़ा थोड़ा डालकर इसको मिक्स कर लेती हूँ अच्छे से। चावल का आटा ये पानी सोख लेगा और पूरा अच्छे से मिक्स हो जाएगा इसमें। ऐसे ही इसको चम्मच से चलाते हुए हम मिक्स कर लेंगे ताकि चावल का आटा भी वो पकना चाहिए। तो ऐसे ही इसको मिक्स कर देना है। ये बचा हुआ आटा भी मैं इसमें डाल देती हूँ, मतलब 1 कटोरी पानी में मैंने 1 कटोरी चावल का आटा डाला हुआ है, तभी ये परफेक्ट ऐसे डो इसका बनेगा। ऐसे ही पूरे आटे को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखो, पूरा आटा इसमें भीग चुका है अच्छे से। अभी मैं इसको ढककर 3-4 मिनट के लिए ऐसे ही पकने के लिए छोड़ देती हूँ। ये देखो, 3-4 मिनट के बाद ये आटा अच्छे से पक चुका है। अभी मैं गैस ऑफ कर लेती हूँ और इसको एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। मैंने प्लेट में निकाल दिया है। यहाँ पे मैंने तेल का यूज़ नहीं किया हुआ है, प्लेट में ऐसे ही निकाल दिया है। अब इसको मैं थोड़ा सा 2-3 मिनट तक ठंडा होने दूंगी क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा गर्म है। ये ठंडा होता है तब तक के हम दूसरा काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 उबले हुए आलू लिए हुए हैं, लेकिन ये गर्म नहीं है। मैंने ये आलू उबाल लिए थे और उसके बाद इसको फ्रीज में रख कर इसको ठंडा कर लिया है। अगर आप गरम आलू यूज़ करोगे तो वो उसमें पानी बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए मैंने इसको पहले ठंडा होने दिया और इसके अभी छिलके निकाल लिए हैं और इसको अभी मैं ग्रेट कर लूँगी।
इसको ग्रेट ही करना है, स्मैश नहीं करना है, नहीं तो गुठलियाँ रह जाएंगी तो वो नाश्ता टेस्टी नहीं बनेगा। इसलिए इसको ऐसे ही पूरे आलू को मैं ग्रेट कर लूँगी और ठंडे ही आलू इसमें यूज़ करने हैं। यहाँ पे मेरे दोनों आलू ग्रेट करके हो चुके हैं, ये पूरा मैं निकाल लेती हूँ अच्छे से। ये पकाया हुआ चावल का आटा भी अभी थोड़ा सा ठंडा हो चुका है, इसी में अभी हम डाल देंगे ये आलू। बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनता है ये, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी रहता है। इसके साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच ओरिगैनो। अगर आपके पास ये नहीं है तो नहीं भी डाले तो भी चलता है। इसके साथ ही इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक, क्योंकि मैंने चावल के आटे में पहले थोड़ा सा नमक डाला था, अभी यहाँ पे आलू के लिए मैंने फिर से थोड़ा सा नमक डाल दिया है। अभी मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ और इसका एक डो तैयार कर लेती हूँ। यहाँ पे पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है, ना ही मैंने इसमें मैदा यूज़ किया हुआ है, ना ही कॉर्नफ्लावर यूज़ किया हुआ है। ऐसे ही इसका एक डो तैयार कर लेना है। ये देखो यहाँ पे इसका डो तैयार हो चुका है, एकदम मस्त ऐसे, एकदम परफेक्ट ऐसे डो तैयार हो चुका है। इसको मैं रख देती हूँ और अभी हाथ धो लेती हूँ। मैंने यहाँ पे हाथों में थोड़ा सा तेल लगा लिया है और ये थोड़ा सा मिश्रण हाथ में लेकर इसको ऐसे हाथ से प्रेस करके इसके ऐसे लंबे लंबे कर लेंगे, तैयार करके ऐसे रख देंगे। ये देखो ऐसे ही हम इसको तैयार करके रख देंगे। बहुत ही आसानी से ये बन जाता है, क्योंकि आटा अभी परफेक्ट तैयार है तो ये आसानी से बन जाता है और ये टूटेगा भी नहीं। ये ऐसे लंबे लंबे कुरकुरे के जैसे हम तैयार करके इसको रख देंगे। आप इसके कॉर्नर काटो नहीं काटो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखो ऐसे ही मैं बाकी के सारे ये तैयार करके रख देती हूँ। ये देखो यहाँ पे मैंने ये तैयार करके रख दिए है पूरे, अभी हमें इसे तलना है। तो उसके लिए मैंने गैस पर कढ़ाई रख दी है और कढ़ाई में तेल डाला हुआ है। तेल को अच्छे से गरम करना है। देख लेते हैं तेल गरम हुआ कि नहीं। ये देखो ये तेल एकदम परफेक्ट ऐसे गरम हो चुका है। अब हम ये लच्छे इसमें डाल देते हैं। ये पूरे ऐसे एक एक मैं इसमें डाल देती हूँ, जितने कढ़ाई में आएंगे उतने ही डालने हैं, एक साथ पूरे नहीं डालने हैं। ऐसे ही एक एक इसमें डाल देना है। बहुत ही कुरकुरा ऐसे नाश्ता बनता है ये, और इसको एकदम गरम तेल में ही डालना है। अगर तेल ठंडा होगा थोड़ा सा भी तो ये तेल में जाते बराबर फट जाएगा, इसलिए इसे एकदम गरम तेल में ही डालना है। मैंने आधे कुरकुरे इसमें डाल दिए हैं, अभी इसे हमें अच्छे ब्राउन होने तक के पकाना है। तो जब ये थोड़ा सा पक जाए तो ये अपने आप ही ऊपर आ जाते हैं और ये एक चिपकते नहीं हैं, ऐसे ही अलग अलग ही रहेंगे ये। और अभी मैं इसको चम्मच से पूरा वो ये करके इसको ब्राउन होने तक के पका लूँगी। ये देखो कैसे इसके कलर चेंज हुआ है, मस्त दिख रहे हैं, एकदम मार्केट वाले कुरकुरे के जैसे दिख रहे हैं। अगर बच्चों को आप ये खिला भी दोगे तो उनको पता भी नहीं चलेगा कि ये घर में बनाए हुए हैं। बहुत ही टेस्टी लगते हैं और गर्मा गर्म तो ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो चलो अभी मैं इसको पूरे निकाल लेती हूँ प्लेट में। ये अच्छे से पक चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं ये। उसी तरह मैं बाकी के भी जो बचे हुए हैं उनको भी तल लूँगी। ऐसे ही इसमें एक एक डालकर इसको भी हमें तल लेना है। देखो दूसरा स्टेज भी हमारा तल के तैयार हो चुका है, इसको भी अब मैं निकाल लेती हूँ। ये देखो ये बन गए हमारे चावल के आटा और आलू के कुरकुरे। देखो कितने मस्त दिख रहे हैं, मस्त एकदम क्रिस्पी बने हुए हैं, एकदम कड़क। ये देखो कितना क्रिस्पी है और अंदर से एकदम सॉफ्ट भी है। ये देखो मस्त दिख रहे हैं, खाने में भी ये इतने ही टेस्टी लगते हैं।
आप इनको अगर वैसे ही खाओगे तो ये ऐसे ही टेस्टी लगते हैं, लेकिन आप टोमेटो सॉस के साथ खाओगे तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। तो आप भी ये कुरकुरे एक बार ज़रूर ट्राई करना। थैंक यू।